दोस्तों इस यूआरएल शॉर्टनर की अर्निंग देखिए, $4 अवेलेबल बैलेंस है, टोटल विड्रॉल $531 है। अब इस वाली यूआरएल शॉर्टनर की देखिए, यहाँ पर $2 अवेलेबल है और पेंडिंग में 0 है और टोटल विड्रॉल $322 है। तो इसी के साथ मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ एक ऐसा यूआरएल शॉर्टनर जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको अभी तक नहीं पता होगा इस यूआरएल शॉर्टनर के बारे में। और यहाँ पर पेमेंट प्रूफ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि बिल्कुल जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। और यहाँ से भी मैं अपनी पेमेंट ले चुका हूँ जैसा कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और ये यूआरएल शॉर्टनर के बारे में आपको पता ही होगा click.sh, इनके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ syncme.io। तो ये एक लेटेस्ट यूआरएल शॉर्टनर है जिसके बारे में आज की वीडियो में बात करूंगा। और यहाँ पर एक फ्री ट्रैफिक जनरेट करने का मेथड बताऊंगा। अनलिमिटेड क्लिक लाने के लिए जस्ट कॉपी पेस्ट वर्क कर। और यहाँ पर अगर पब्लिश रेट की बात करें जिसमें कि आप देख सकते हैं ग्रीनलैंड से मैक्सिमम $21 है और मोबाइल से भी अगर ओपन होता है यूआरएल शॉर्टनर आपका तो $21 आपको मिलते हैं। और यहाँ पर इंडिया से कितना है जो कि बात करते हैं सबसे ज्यादा मेनली, तो वो इंडिया से अगर आप लाते हो ट्रैफिक तो $4 आपको सीपीएम मिलता है इस यूआरएल शॉर्टनर के अंदर। और बात करो कि यहाँ पर आप किस किस में विड्रॉ कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर पेपैल, पेइनर, बिटकॉइन, पेटीएम, यूपीआई, स्क्रेल, पेयर, बैंक ट्रांसफर में आप ये सब मेथड यूज करके अपना कर सकते हैं। और साथ में आप बात करें पेमेंट प्रूफ की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नए यूआरएल शॉर्टनर के अंदर $2 हमारे यहाँ पर अभी अवेलेबल बैलेंस है, $4 की पेंडिंग विड्रॉल है जो हम लगा चुके हैं। और ये मैंने अभी स्टार्टिंग ही किया है इस यूआरएल शॉर्टनर का यूज करना, जिसमें कि आप देख सकते हैं $10.65 की अर्निंग टोटल विड्रॉ कर चुके हैं हम इस यूआरएल शॉर्टनर पे। तो इस यूआरएल शॉर्टनर का नाम क्या है ये हम आगे जानेंगे। और यहाँ पर एक जस्ट कॉपी पेस्ट ट्रैफिक जनरेट करने का मेथड से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ट्रैफिक आता है और इससे भी आप इंक्रीज कर सकते हो। तो ये सब कुछ जानने के लिए बस आपने अभी एक काम कर लेना जल्दी से जल्दी कि अगर टेक्निफोरियो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो टेक्निफोरियो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके ऐसे ही अर्निंग करने से रिलेटेड। और दोस्तों आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी हमारे इस चैनल पर यूआरएल शॉर्टनर की, तो आपने उस प्लेलिस्ट को भी जाकर देख लेना है ऐसे यूआरएल शॉर्टनर के फ्री ट्रैफिक मेथड का यूज करने के लिए, जिसमें कि यहां पर ये रही। तो चलिए वीडियो आज की शुरू करते हैं। तो जिस ट्रैफिक की बात मैं आज की वीडियो में करूंगा वो अभी कम लोगों को पता है, और जिन लोगों को पता है वो इसका यूज करके अच्छी खासी अर्निंग बना रहे हैं जैसे मैंने बनाई। तो ये आज की वीडियो में मैं आपको रिवील करने वाला हूँ। और बाकी वीडियो आपने यूट्यूब पर देखी होंगी तो उनमें आपको ज्यादातर फेक मेथड देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जेन्युइन मेथड है अगर आपको ट्रैफिक जनरेट करना है अपने यूआरएल शॉर्टनर पर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए आपको यूट्यूब में चले जाना है, तो यूट्यूब से ही सारा आपने कॉपी पेस्ट ये वर्क करना है। जस्ट कॉपी पेस्ट करके आप इतना ज्यादा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो उससे पहले एक और आपने काम कर लेना, अगर आपने हमारे माइंडसेट ब्लॉगिंग फॉरियो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर मैं आपको वेबसाइट बनाने से रिलेटेड काफी सारा कॉन्टेंट प्रोवाइड करता हूँ, तो जो भी आपको चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हो इस चैनल के लिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापिस आते हैं। तो अब यूट्यूब में आपने जाना है, YouTube में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पर सर्च बार मिलता है, तो सर्च बार को आपने कट करके यहाँ पर लिखना है एनिमे, एनिमे शॉर्ट्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एनिमे शॉर्ट्स, उसके बाद सर्च कर देंगे। तो एनिमे शॉर्ट्स जब आप सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारी की सारी यहाँ पर एनिमेज आ जाएंगी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसे, यहाँ पर इसे बंद कर देते हैं जैसे कि हम वीड आइकन को, और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी, जिन पर आप देख सकते हैं 6.5 मिलियन, 3.2 मिलियन, और यहाँ पर इनकी काफी ज्यादा डिमांड है जो कि आप देख रहे हैं एनिमेज की, तो 1,14,000। तो इस ट्रैफिक मेथड का यूज करेंगे जो कि मैं आपको बताऊंगा। ये आपने यूट्यूब पे नहीं करना, आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे करना है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो अब यहाँ पर ये जितनी भी आप देख रहे हैं, तो अब आपने करना क्या है, तो आपने सिंपल इन सारी क्लिप में से कोई भी जो आपको पसंद है उस चैनल को चुनकर यहाँ पर उनकी एनिमेज वीडियोज लेनी है। जैसे कि यहाँ पर हमने कॉपी किया, इसका लिंक 3.2 मिलियन व्यूज है जिसके। उसके बाद हमें एक वेबसाइट पर जाना है, तो हमें गूगल पे जाकर सर्च करना होगा। जैसे कि हम गूगल में ओपन करते हैं, सर्च करते हैं savefrom.net, तो यहाँ पर हमारे सामने काफी सारी वेबसाइट आ जाएंगी। तो हम कोई सी वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर लिंक को पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से सारे फॉर्मेट आ जाएंगे, जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए उस फॉर्मेट को आपने सेलेक्ट कर लेना है 720, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर वेट करेंगे, तो यहाँ हमारे कंप्यूटर में सेव होना शुरू हो जाएगी, जैसा कि ये सेव भी हो चुकी है। तो ऐसे ही आपने ये सारा कॉन्टेंट उठाना है जैसे कि मैंने आपको बताया, इस तरीके से कॉपी करना है। अब यहाँ पर ये पेस्ट कहाँ करना है, तो पेस्ट करने के लिए आपने चले जाना इंस्टाग्राम में। तो इंस्टाग्राम में आपने इस टाइप की काफी सारी रील्स देखी होंगी, जैसे कि आप देखिए You,
इस टाइप की काफी सारी रील्स आपने देखी होंगी अगर आप एनिमे लवर्स हैं, तो एनिमे लवर्स काफी ज्यादा यहाँ पर इन वाली वीडियोस को देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इन पे काफी मिलियनों में व्यूज जाते हैं। जैसे कि ये वाली रील्स को देखें आप, 2 लाख के करीब में व्यूज है इस पे। इस टाइप की रील्स है। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि यहाँ पर सबके सब पूछते हैं सबसे पहले मूवी नेम क्या है, उसके बाद मूवी नेम के बाद कोई पूछता है कि इसका लिंक कहाँ है, कि हमें यहाँ पर ये कैसे देख सकते हैं। तो बहुत लोगों को कोई आइडिया नहीं है यहाँ पर देखने का। तो अब आपने काम क्या करना है, तो आपने जाकर अपना एक इंस्टाग्राम पेज बना लेना है। अब जैसे कि एग्जांपल मेरे पास एक ये ही पेज है, जैसे कि इसी पेज पे मैंने अलग बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आप देख लीजिए ये वाला एक पेज है जैसे कि एग्जांपल के लिए, इस पे वर्क नहीं कर रहा मैं। तो यहाँ पर जाने के बाद आपने रील्स को पोस्ट करना है। रील्स को पोस्ट करने के लिए आप अगर आप डेस्कटॉप से कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का, तो आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो सेम स्टेप को फॉलो करना है, तो आपने उस रील्स को सिलेक्ट कर लेना है जो आपने अभी कॉपी की थी, ये वाली जैसे कि हम देख रहे हैं। तो इस वाली रील्स को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर वेट करेंगे। जनरेट करना है, और आप जैसे यहाँ पर कंसिस्टेंसी काम करोगे तो आप काफी ज्यादा रील्स वायरल भी होंगी, तो इन पे अच्छा खासा वॉच टाइम भी मिलता है, लोग पसंद भी करते हैं। अब ये करने के बाद दोस्तों आपने शेयर के बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे कि यहाँ पर एक और चीज आपने कर देना है डॉट डॉट करके, तो लिंक इन बायो ऑफ दिस मूवी, और ये जो आप कीवर्ड देख रहे हैं जो ये मैंने लिखा है, ये आपने हर पोस्ट में करना है दिस मूवी। तो यहाँ पर आपने दिस एनिमे मूवी, तो यहाँ पर एनिमे और लगा देते हैं एनिमे, तो यहाँ पर ये इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद ये जो आप मूवी है वो बायो में प्रोवाइड करोगे, और कैसे करोगे आप मैं आपको बताऊंगा। अब आपको पता होनी चाहिए कौन सी मूवी का सीन है, तो ये आप जब यूट्यूब पे सर्च करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो काफी सारे लोगों ने बताया होगा इस मूवी का नाम, तो आपको मूवी का नाम पता चल चुका है, जैसे कि नेरोटो की है और यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा। तो अब यहाँ पर आप चाहे तो नेरोटो भी लगा सकते हैं, अब अगर आपको पता है किस टाइप की है ये, तो यहाँ पर लगा देंगे नेरोटो। उसके बाद यहाँ पर आपने शेयर के बटन पर क्लिक कर देना है, और ये आपकी शेयरिंग होना शुरू हो जाएगी। अब आपका अगला स्टेप क्या आता है, और दोस्तों इस मेथड से आप जो है ना काफी ज्यादा ट्रैफिक लेकर तो आ ही सकते हो, और आपको यहाँ पर रिकरिंग मिलता रहेगा, आपको बस 1-2 महीना काम करना होगा, उसके बाद आपको जो है अर्निंग भी बनती रहेगी, जैसे कि मैं कुछ आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम इसे हटाते हैं, यहाँ पर ये हमारी लिस्ट रील्स पोस्ट हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे ही आपने करते रहना है। अब जैसे ये वायरल जाएगी तो कम से कम 20-20 मिलियन व्यूज आते हैं इस टाइप की वीडियोस पर, तो आपको काफी ज्यादा लोग कमेंट करेंगे और पूछेंगे, और बायो में क्लिक करेंगे उस पर काफी ज्यादा ट्रैफिक आएगा। अब बायो में आपने लिंक कौन सा लगाना है, अब बात करते हैं बायो में लिंक की। तो बायो में लिंक लगाना है आपने अपनी ब्लॉगर वेबसाइट का, तो आपने ब्लॉगर पर जाकर ऐसी कुछ वेबसाइट बना लेनी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस टाइप की वेबसाइट, और जिन्हें नई बनानी आती है वो दोस्तों हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम का मेंबर आपको वेबसाइट बनाकर दे देगा। बस आपको एक काम और करना होगा, जिसमें कि आपने एक .com डोमेन ले लेना है, बाय कर लेना है, या .in .net जो भी आपको सूटेबल लगे, या .xyz, वो आपने यहाँ पर डोमेन को बाय करके अपनी ब्लॉगर वेबसाइट से कनेक्ट कर लेना है। जिसको नहीं आता है वो कॉन्टेक्ट कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, मेरी टीम का मेंबर आपकी वेबसाइट बनाकर दे देगा ब्लॉगर पर, तो काफी कम प्राइस में बात कर लेना। तो उसके बाद तो यहाँ पर बात करते हैं इस टाइप की आपने वेबसाइट बना ली, तो वेबसाइट आपको मिल गई, तो अभी यहाँ पर भी आपने कॉपी पेस्ट क्या करना है, तो अब देखिए आपको यहाँ पर इस वाले एनिमे कैरेक्टर का आपको पता चल गया नाम क्या है, तो आपने यहाँ पर गूगल में जाकर सर्च करना है। तो इस टाइप से ऐसे काफी सारी वेबसाइट मिलेंगी, जैसे ये वेबसाइट है जैसे कि इस बंदे ने बनाई है, और 2022 में ये काम करना छोड़ दिया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये बंदा अब रिकरिंग आराम से अर्निंग बना सकता है, लेकिन बना नहीं रहा है। इसने जो गलती करी है वो आपने नहीं करनी है। अब जैसे कि मैं इसका ट्रैफिक आपको दिखाता हूँ, इसका यहाँ पर हम लिंक कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इस वाली वेबसाइट पर जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाली वेबसाइट का ही URL है, इसे कम से कम 8000 यानी 8100 का यहाँ पर ट्रैफिक मिल रहा है ऑर्गेनिक, जो कि गूगल से है सारा का सारा, और ये दोस्तों जरूरी नहीं है इतना ही हो, अब इसका डबल आप कर सकते हो, कम से कम 16000 का ट्रैफिक मिल रहा है। 16000 का ट्रैफिक मतलब आप सोच सकते हो 1000 में आपको अगर 1000 क्लिक आते हैं आपके URL शॉट पर, तो आपको $4 मिलते हैं। 16000 ट्रैफिक पे आप लगा सकते हो, कितना आपको मिलेगा अंदाजा।
तो यहाँ पर इस टाइप से आपको जो है ट्रैफिक जनरेट करना है, जो कि काफी ज्यादा इजी है, और ये आप चैट जीपीटी से भी करवा सकते हो सारा कंटेंट लिखवाने का, क्योंकि आपको यहाँ पर एड्स अप्रूवल नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर यूआरएल शॉर्टकट से अर्निंग करोगे। तो यहाँ पर ये सारा इनका डाटा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपने ब्लॉगर पर एक वेबसाइट बना ली, जैसा कि एग्जांपल हम अभी आपको बता रहे हैं कि ब्लॉगर पर हमने ये वेबसाइट बनाई है, तो यहाँ पर हम अब कंटेंट ऐड करेंगे, जो कि काफी ज्यादा आसान है। अब हमें यहाँ पर इस वाले रील्स का पता चल चुका है कि ये किस टाइप की रील्स थी, तो अब आपने जो है इस रील्स का नाम सर्च करना है गूगल में और देखना है। जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पर ये वाली रील्स अपलोड करी है, योर नेम, इस वाली मूवी की, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब ये हमें गूगल में मिल चुकी है, तब इस वाली वेबसाइट पर जाने के बाद या किसी और वेबसाइट पर जहाँ पर आपको इसका एक्सेस लिंक मिल जाए, उस पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये सारा एक्सेस लिंक है जो कि आप देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप कोई सा भी इसे चूज कर इस तरीके से आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर ये जो लिंक है ना, ये आपने कॉपी करना है और अपने नोटपैड में जाकर सेव कर लेना है। अब सेव करने के बाद जो है आप लोगों ने सेव करने के बाद आपने जो है अब अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप में दोस्तों, जैसे कि आपने ये नेम वाली यहाँ पर ये मूवी जो है प्रोवाइड कर रही है, तो आपने इसे कॉपी करना है और यहाँ पर आपने देखिए यहाँ पर सर्च वॉल्यूम अगर देखना है कि तो कितना ट्रैफिक आपको मिल जाएगा, तो आप एआरएफ का फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल का यूज कर सकते हैं। और ट्रैफिक जानना है कि कितना ट्रैफिक आपको मिल सकता है, तो योर नेम हिंदी डब, तो आप पहले इसे सर्च करें, देखते हैं इस कीवर्ड पर कितना ट्रैफिक लोग सर्च करते हैं हर महीने, तो यहाँ पर आपको अंदाजा लग जाएगा जिस भी आप कीवर्ड पर काम करोगे आपको वहां से कितना ट्रैफिक मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसे हटाते हैं, जो हमारा मेन कीवर्ड है उसे देखते हैं अभी, योर नेम मूवी, तो इस मूवी पर देखते हैं कितना ज्यादा ट्रैफिक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाली मूवी का जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर 2.3K तक है और 700 तक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 450 तक है, जो आपको मिल सकता है अगर आप इस पर काम करते हो तो, जो काफी ज्यादा आसान है। इस पर काफी कम कॉन्टेंट है, तो इजी आप रैंक भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या ही कॉन्टेंट है यहाँ पर, तो इसलिए कोई भी रैंक कर सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, अपने ब्लॉगर पर जब आप वेबसाइट बना लोगे और या बनवा लोगे, आपको आती है तो आप बना लेना, अगर आपको नहीं आती है तो आप बनवा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो टीम के मेंबर से, तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा बनाकर इससे भी ज्यादा अच्छी, जैसे कि इसकी तो वेबसाइट नॉर्मल है तो आपको इससे अच्छी बना लेनी है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने जैसे वाली ही रील्स जो आपने बनाई थी वो प्रोवाइड कर रहे हो मूवी उसकी, तो योर नेम मूवी ये लिख दिया इन हिंदी डब्ड, तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ भी ऐड कर सकते हो जो आपको ऐड करना है। उसके बाद आपने कंटेंट लिखवाना है, तो कंटेंट लिखवाने के लिए आपने जाना है चैट जीपीटी वेबसाइट पर, तो चैट जीपीटी आपका सारा कंटेंट यहाँ पर लिख कर दे देगा, जो गूगल में रैंक भी करेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सिंपल, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं राइट आर्टिकल, तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर ये सर्च कर देंगे और यहाँ पर एंटर क्लिक कर देंगे। एंटर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर हमें ये सारा का सारा जो है ये हमें लिख कर दे देगा आर्टिकल, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये आर्टिकल लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर इसे हम कॉपी करेंगे सारा का सारा एग्जैक्ट, तो यहाँ पर ये सारा कॉपी कर लेते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पर इस तरीके से कॉपी करने के बाद आपने पेस्ट कर देना है, आपको यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी ये हमारा वैसा ही आर्टिकल है, ज्यादा खास नहीं है, तो यहाँ पर कंट्रोल भी करके एक बार पेस्ट कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये काफी बड़ा भी नहीं है और काफी छोटा भी नहीं है, लेकिन जैसे आप यहाँ पर करोगे काम तो आपको उसके बाद धीरे धीरे पता लगेगा कि आपकी रैंकिंग आ रही है। तो अब यहाँ पर ये लगाने के बाद आपको जो है ये चीज प्रोवाइड करनी है, जैसे इस बंदे ने प्रोवाइड की हुई है, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसे। कॉपी करने के बाद आप बीच में कहीं भी इसे ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लास्ट में इसे ऐड करूंगा, तो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर ये पेस्ट करने के बाद जो है इसमें लिंक लगे हुए हैं, तो इन लिंक को हम यहाँ पर हटा देंगे, यहाँ से इस तरीके से लिंक को आपने हटा देना है, अगर आपको ये हटाना है पूरा का पूरा ये भी हटा सकते हो। तो अब उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर एक इमेज ऐड करने के लिए ऑप्शन मिलता है, तो आपने इमेज ऐड करनी है, जैसे कि इस वाली मूवी की इमेज यहाँ पर ये है, तो आप इसे ही कॉपी कर सकते हो, आपको गूगल में मिल जाएगी या यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो इस इमेज को कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी ब्लॉगर वेबसाइट में अपलोड करनी होगी, तो यहाँ पर हम अपलोड करते हैं चूज फाइल पर क्लिक करके। तो दोस्तों ये एक तरह से पूरा कोर्स ही हो गया, और ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको अच्छी खासी इनकम बनेगी जब आप काम करोगे। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से,
अब यहाँ पर करने के बाद जो है हमारे पास एक इमेज भी ऐड हो चुकी है, इसे अगर आप बड़ी करना चाहें तो आप बड़ी भी कर सकते हैं और साथ में आप यहाँ पर अपना कीवर्ड भी लगा दें जिससे कि दोस्तों आपको रैंकिंग मिलने में ज्यादा चांस मिले और यहाँ पर आपका SEO भी हो जाए। तो यहाँ पर हम कर देते हैं अपडेट। ये करने के बाद जो है अब आपकी बारी आती है यहाँ पर अपना अर्निंग का लिंक लगाएं। तो अर्निंग लिंक लगाने के लिए आपके पास जो लिंक था, जैसे कि यहाँ पर ये कॉपी किया था आपने, इसे आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो है आपने जाना है इस वेबसाइट में जिसका नाम मैं आपको बता दूं, linkslive.com। तो इस वाली वेबसाइट का नाम है जो कि है एक URL shortener। तो इस वाली वेबसाइट में जाने के बाद आपने क्लिक करना है न्यू शॉर्टन लिंक पर और यहाँ पर पेस्ट कर देना है वो लिंक जिसे आपने शॉर्ट करना है और सिंपल शॉर्टन पर क्लिक करना है। तो आपको ये शॉर्टन करके दे देगा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस लिंक को फिर आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने वेबसाइट में जाना है। अपनी वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लिंक को ऐड कर देना कुछ इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर भी आपने ऐड कर देना लिंक को। तो लिंक को ऐड करने के बाद यहाँ पर आप तीनों जगह ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कर देते हैं। उसके बाद जो है आपको लेवल देना है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो, जो भी आपकी कैटेगरी है इस वाली उसकी, तो एनिमेट मूवी। तो यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर ये इसकी कैटेगरी हमने दे दी है। उसके बाद परमा लिंक में आप देखेंगे तो इसका यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया है यहाँ से। उसके बाद आप और नीचे देखोगे तो आपको और कुछ नहीं मिलेगा और डिस्क्रिप्शन के लिए आपको सारी सेटिंग बाद में बता दिया जाएगा, कोर्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप ये वेबसाइट बनवाते हो तो आपको कोर्स भी मिल जाएगा ब्लॉगर वेबसाइट का पूरा, तो आप उस कोर्स को भी देख सकते हो। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद अब बारी आती है आपकी इसकी पब्लिश की। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और कंफर्म कर देना है। तो आपका ये पब्लिश हो जाएगा और जैसे ही आपका ये पब्लिश हो है, तो आपने इन्हें ग्रुप में शेयर करना है इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा, जितने आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट है उन ग्रुप में आपने इसे शेयर करना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये आ जाएगी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये था मेथड और इसे शेयर करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो जाएगा आपके URL shortener से पार करने के लिए। तो यहाँ पर ये पार करेगा उसके बाद यहाँ पर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ये तरीका था सबसे बेस्ट जो मैंने आपको बताया और इसमें अच्छा खासा आपको ट्रैफिक भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके बताना है और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जो कि आपको व्हाट्सएप का और आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।